So what's up beautiful people out there, this is your host Dishu Khanna and welcome to Dishu Vlogs। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा रेगुलर वीडियोस देखने में जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ यार बढ़िया बढ़िया कंटेंट। एंड आज का कंटेंट आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंस है एंड थोड़ा डिफरेंट यार कंटेंट मेरी आदत हो चुकी है अब, जैसे कि आपको पता ही है। तो आज ना हम बात करने वाले हैं थोड़ा एंजल ब्रोकिंग एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। और हाँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो भाई थोड़ा एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत तो होने ही वाली है। एंड एक्सपर्ट में कौन आने वाला है, क्योंकि आज एक्सपर्ट की बात हो रही है तो भाई पापा को इंट्रोड्यूस करना तो बनता है इसमें। तो चलो बुलाते हैं उनको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही था आज एक्सपर्ट एडवाइस के लिए पापा को बुलाना ही पड़ेगा वीडियो में, तो आज बुला ही लिया। कौन सा वीडियो आ रहा है आपके मेरे साथ? आज चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो? हाँ। श्योर हो? बिल्कुल। एक मिनट मेरे को जरा काउंट करने दो। तो शायद लास्ट वीडियो मेरा आया था, शायद आप मुझे उत्तराखंड छोड़ने उत्तराखंड नहीं छोड़ने गए थे, बस स्टॉप छोड़ने गए थे। ठीक है, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे ये बताओ आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है शेयर मार्केट का? इसमें 25 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब देख रहे हो, मेरे पापा मुझे नहीं बताया एक्सपीरियंस कितना हो गया। तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ तब मैं शेयर बाजार में था। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपको पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। अब आप इसमें क्या कहना चाहोगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट से पैसा कैसे कमाना है? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना वैसे तो ईजी है, मगर इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही करना पड़ता है। मतलब एक्सपर्ट एडवाइस इन द सेंस आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है किसी अच्छे ब्रोकर से के साथ टाई अप करके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो ब्रोकर के बारे में मैंने सुना है कि यार फ्रॉड कर जाते हैं, अब ब्रोकर पता कैसे चलेगा? और ब्रोकर का पहले तो मुझे ये बताओ काम क्या होता है, मुझे तो ये नहीं ब्रोकर पता। जो है वो तुम्हारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक पुल का काम करता है, एज ए ब्रिज। ठीक है, वो आपको जो चीज अच्छी लगती है वो बताता, यानी सबसे अच्छी चीज वो आपको बताता है। ठीक है, इस टाइम क्या चल रहा है। और अगर बात करी जाए कि जो मैंने पूछा था कि ब्रोकर जो कहते हैं कि लोग की ब्रोकर फ्रॉड कर जाते हैं, ब्रोकर सही होते ऐसा हैं? जो ट्रस्टेड ब्रोकर होते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, वो ही ट्रस्टेड होते हैं। अरे कह रहे किसी को भी सब ब्रोकर को नहीं, उससे टाई अप नहीं करना चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे मैंने आज इनको बता ही दिया पूरा टाइटल वगैरह में कि एंजल ब्रोकिंग की बात हो रही है, तो एंजल ब्रोकिंग आपने यूज करा है नहीं करा? मैंने वैसे एंजल ब्रोकिंग नहीं किया, बट कुछ कमेंट आप करना चाहो। वैसे मार्केट का एक ये लीडर है, मार्केट का लीडर है एंजल ब्रोकिंग। एंजल तो एक काम करते हैं, नाम बहुत सुना हुआ है, एक काम करते हैं इनको दिखाते हैं पूरी एंजल ब्रोकिंग की साइट। जैसा कि आप बता रहे हो कि एंजल ब्रोकिंग आपकी मार्केट में लीडर चल रहा है इस टाइम पे, अच्छे से चल रहा है, तो आपको पूरी वेबसाइट वगैरह उसकी दिखाते हैं एंड काफी सारे प्लान्स हैं एंजल ब्रोकिंग पे, तो सारा बताते हैं फिर इनको कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि जैसे कि सबसे पहले आप इसमें चेक कीजिए कि वो आप अपने तसल्ली के लिए, क्योंकि देखो यार मैं आपको पहले भी बताता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, आपको एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पे पहले लेके चलता हूँ। फिर दोस्तों जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे एंजल ब्रोकिंग, उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको दिखेगा आई ट्रेड प्राइम, जिसके हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले नीचे चलते हैं, नंबर वन स्टॉक ब्रोकिंग हाउस एंड 30+ ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, मतलब 30 साल पुरानी कंपनी है ये एंड काफ़ी ब्रांचेज है इसकी ऑल ओवर इंडिया। बाकी नीचे आएंगे वाई एंजल ब्रोकिंग यूट्यूब वीडियोस लिंक मिल जाएंगे आपको, और बाकी काफ़ी सारी डिटेल दे रखी हैं इस वेबसाइट के ऊपर जो आपको देखने को मिल जाएगी जब आप वेबसाइट ओपन करोगे। तो दोस्तों साथ ही साथ इसके अभी आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल्स मैं आपको दिखाई रहा हूँ। अब चलते हैं आई ट्रेड प्राइम की तरफ। इसमें आप अगर जाओगे तो आप पहले देखोगे 0 रुपीज चार्जेस है फॉर इक्विटी डिलीवरी, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। 20 रुपीज है पर ऑर्डर फॉर इंट्राडे FNO करेंसीज एंड कमोडिटीज, और साथ ही दोस्तों फ्री डीमैट अकाउंट, और वो भी 5 मिनट में आप बना सकते हो अपना डीमैट अकाउंट। देखो डीमैट अकाउंट ना तो ओपन करना आसान होता है काफ़ी एंड कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एंड डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी रहता है। एंड यहाँ पे नीचे स्टेप्स भी आपको मिल जाएंगे, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अगर बात करूँ कि डीमैट अकाउंट की, तो अभी तो फर्स्ट ईयर के लिए तो फ्री रहेगा, उसके बाद ₹699 पर ईयर रहने वाला है, तो वो कुछ खास नहीं है यार। और बाकी देख ही सकते हो आप, मैं पूरा आपको दिखा ही रहा हूँ कि स्टेप्स भी पता रखे डीमैट अकाउंट ओपनिंग के कि कैसे कैसे करना है, और आपको सिर्फ अपनी मोबाइल नंबर सिटीज़ वगैरह ही डालनी होगी। तो यार सबसे आसान चीज़ है
काफ़ी सही चीज़ है, सेफ चीज़ है, आपको इस चीज़ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि कॉमोडिटीज ट्रेडिंग का जो टाइमिंग रहते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा, क्योंकि यार देखो आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें जानना कि क्या टाइमिंग रहेंगे, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। टाइमिंग की बात करें जाए कि आपको ट्रेड करने के लिए, तो आप देख सकते हैं इक्विटी का आपको 3:15 PM तक रहेगा, फ्यूचर ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल का टाइमिंग 3:20 PM आफ्टरनून तक, MCX मॉर्निंग 11:15 से नाइट 11:30 तक रहने वाला है, करेंसी का 4:45 PM। ये है मेजरली जो टाइमिंग है स्टॉक एक्सचेंज के उस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका एंजल ब्रोकिंग के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड एक ब्रोकर की वैल्यू आपको समझ आई होगी। तो अभी भी एक्सपर्ट हमारे साथ ही है तो वीडियो लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करना चाहूंगा मैं इस वीडियो को। तो जाते जाते मैं नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, बोलो, वीडियो को लाइक करो, उसे सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना है। मतलब भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत।